मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे ऑटोकैड में पीडी कैसे स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड 2021 की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे को क्या बनाना आता है? अभी तक हमारे को रेक्टेंगल बनाना आता है, कोई ड्राइंग 2D की बनानी आती है ना, कोई भी चीज हो सकती है हम बना सकते हैं। हमने स्टार्ट जब हमने किया तो हमारे पास ये स्क्रीन है। अभी यहाँ पे सारी 2D की कमांडें आ रही है। तो यहाँ से जाएंगे वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग पे क्लिक करूंगा तो सारी 3D की कमांडें आने लगती है। ठीक है, 2D की भी कमांडें आ रही है, यहाँ पे 3D की भी आ रही है। इसको बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। ठीक है, 3D मॉडलिंग कर लिया। 3D बेसिक में थोड़ी कमांडें हैं, 3D मॉडलिंग में सारी कमांडें हैं। ठीक है, वो बेसिक है, बेसिक सारी कमांड है उसके अंदर। तो सपोज करो मैंने एक कोई सर्कल बनाया 100 रेडियस का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है फ्री ऑर्बिट की। फ्री ऑर्बिट से मैं इसको घुमा सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखना है एक्स वाई और जेड। ऑटोकैड में जो भी काम होता है, कोई स्केच बना रहे हैं, सब कुछ कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है किसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप व्यू कर दूंगा, ये टॉप व्यू है, साइड व्यू कर दूंगा, साइड व्यू। ठीक है, तो ऑटोकैड में जो कुछ भी बनेगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे कोई भी चीज, वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी एक्स वाई प्लेन के ऊपर। एक यहाँ पे ऑप्शन होती है ओरिजिन यूसेज वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे क्लिक कर देंगे वो यूसेज वहाँ आ जाएगा, हमारे को देखने में थोड़ी आसानी होगी। टॉप व्यू कर दो, यहाँ से करो तो ज्यादा अच्छा है, हमारे को टॉप व्यू में काम करना। ठीक है, कई बार ये जब हम ऐसा करते हैं तो ये बार गायब हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर ऑप्शन होती है नेविगेशन बार, बंद करके दोबारा ऑन कर लेंगे तो ये ऑन हो। अब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया हमारे पास रीजन कमांड। रीजन करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। सिंगल एंटिटी में वन रीजन क्रिएटेड लिखा हुआ। कोई भी चीज तब तक रीजन नहीं होगी जब तक वो क्लोज नहीं है। यानी अगर मैंने कोई चीज ऐसे बनाई ओपन है तो ये रीजन नहीं होगी। वैलेट लगाएंगे, कॉर्नर बन के 0 की वैलेट लगाई थी हमने। अब मैं इसको रीजन कर सकता हूँ। ठीक, जो चीज रीजन हो गई उसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। कितना एक्सक्लूड करना है? ऑब्वियस वेट करो, एंटर, वैल्यू दो, एंटर। ये कितना एक्सक्लूड हो जाएगा? अगर मुझे इसको शेड में देखना है तो यहाँ 2D की जगह पे कर लो शेड। जो चीज रीजन हो जाती है वो फिल हो जाती है। रीजन का मतलब है क्लोज बाउंड्री। मैं इसको अगर रीजन कर दूं ये फिल हो जाएगा। अगर मैं शेडेड में देख रहा हूं, अगर 2D वायर फ्रेम में देख रहा हूं तो ऐसे दिखेगा, शेडेड में देख रहा हूं तो। अब मैं इन दोनों को एक साथ इकट्ठे भी एक्सक्लूड कर सकता हूं जितनी वैल्यू भर देंगे। अगर माइनस में वैल्यू भर देंगे तो ये नीचे को जाएगा, प्लस में वैल्यू भर देंगे तो ये ऊपर हो जाए।
जो भी काम होगा वो एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। एक्सट्रूड जो होगा वो एक्स वाई से जेड की डायरेक्शन होगा। जेड देखो किधर, एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है फेस यूसीएस। यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट कमांड 3D में यही है फेस यूसीएस। इसका फायदा क्या है, जहां पे मैं क्लिक कर दूंगा एंटर, एक्स वाई वहां पे आ जाएगा। फेस यूसीएस लो, फेस सिलेक्ट करो, एंटर। ठीक है कोई भी वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ करो, कंप्यूटर ऑन करके वीडियो पॉज कर लो, कंप्यूटर ऑन करो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तभी समझ में आएगा। अब इसको फायदा क्या हुआ कि जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा स्केच जो वही बनेगा। अगर मैं फेस यूसीएस उठा के इस फेस पे रख लेता हूँ तो जो भी स्केच बनेगा वो उसी फेस फेस यूसीएस लो, फेस सिलेक्ट करो, एंटर। एक्स वाई उसके ऊपर आ गया, आप जो मर्जी लो। ठीक है अब जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में हो, चाहे यूसीएस चेंज हो गया उसको कोई मतलब नहीं है। स्केच जिस डायरेक्शन में बना था उसी डायरेक्शन में शुरू से करते हैं। एक नई फाइल खोली, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया एट द रेट 100, 100। ठीक है इसके बीच में हमने एक लाइन लगा दी और एक लाइन यहाँ पे कुछ भी बना रहा हूँ मैं छोटा सा समझने के लिए और फालतू की चीज को ट्रिम कर फ्री ऑर्बिट से थोड़ा सा घुमा लिया। ड्रॉ में गए, रीजन किया, एक्सट्रूड किया, शेड चेंज किया। ठीक है फिर हमने फेस यूसीएस लिया, एंटर और यहाँ पे कोई चीज बना। मिड पॉइंट चाहिए मुझे, मैंने एक लाइन लगा ली और इसका मिड पॉइंट में 20 का एक सर्कल। अब मुझे ये जो 20 का सर्कल है इसको रीजन कर लेते हैं। पहले एक्सट्रूड कर लो, अब एक्सट्रूड करूंगा तो इधर को जेड की तरह मिल जाएगा। मैंने कहा ये माइनस में जाना, माइनस 50 कर दिया। क्यों कर दिया, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, ये कमांड है सब्ट्रैक्ट किसमें से एंटर किसको। आप तो जाएगा ही जाएगा साथ में दूसरे को भी ले जाएगा। दोबारा करते हैं, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया और इसको एक्सट्रूड कर दिया माइनस 50। ठीक है मैंने इसको बोला सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ मैं इसमें से एंटर इसको एंटर। खुद तो जाएगा ही जाएगा साथ में उसको भी ले जाएगा। गाना नहीं और करता कहा, हम तो डूबेंगे सबको भी ले जाएगा, दूसरे को भी साथ ले। ठीक है इसलिए फेस यूसीएस लो, फेस सेलेक्ट किया, एंटर। कुछ भी बनाया जो भी हमारा दिल कर रहा है और इसको एक्सट्रूड कर। सर्कल क्योंकि खुद ही पूरा क्लोज होता है इसलिए उसको रीजन करने की जरूरत है। अगर लाइन से कुछ भी बनाया तो उसको रीजन करना पड़ेगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने की बजाय यूनियन कर दूं, यूनियन तो दोनों जो है सिंगल बॉडी बन जाएंगे, कॉमन पार्ट जो है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है तो हम ये बनाएंगे एक ड्राइंग यहाँ से। ठीक है ये दोनों ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा भगवान ने दिमाग दिया है तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है तो हम ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं।
तो एक नई फाइल खोल लेंगे। अब इस ड्राइंग को देखने का तरीका क्या है, लाइक ए कारपेंटर, जैसे कारपेंटर सोचता है वैसे अगर हम सोचेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे। ठीक है, पहले ये ड्राइंग बनाते हैं। ये हमारे को दे रखा है 36, यहाँ से 12 है, 18 है, ठीक है, इधर से 6 है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं और तो ऑन कर लेना चाहिए 36 12 6 18 6 चलेगा। इसको हम मिरर कर सकते हैं और ऑफसेट कर सकते हैं 9। ठीक है, फालतू की चीज को हम उड़ा देंगे, कॉर्नर बना देंगे। ठीक है, हमारी वो नेविगेशन बार गायब हो गई, कोई बात नहीं, व्यू में जाएंगे, नेविगेशन बार ऑन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमा लिया इसको, ड्रॉ में जाएंगे रीजन पर। अब कारपेंटर होता मैं तो भी हम यही करते। ठीक है, इसको रीजन कर लो और इसको एक्सट्रूड कर लो। एक्सट्रूड कितना है ड्राइंग में देख सकते हैं अपने, एक्सट्रूड हमारा 60, हम इसको 60 एक्सट्रूड कर रहे हैं। शेड चेंज करके देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा सकते हैं। अगर यहाँ से शेडेड में एज ले लो ज्यादा अच्छा। एक लाइन ले ली और सर्कल बना, बेसिस लिया, बेस सिलेक्ट किया, एंटर, और मैंने सर्कल। ये सर्कल हमारे को करना है एक्सट्रूड 18, तो एक्सट्रूड मार लो और इसको 18। एक सर्कल हमारे को और बनाना है, बेसिस से लो और ये सर्कल है हमारा 12 का टैप है, 10.25 होता है इसका डायमीटर, और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम माइनस 18 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, एंटर इसको सब्ट्रैक्ट किसमें से, एंटर किसको, एंटर। अब हमारे को ये बीच वाला कट मारना है, ये 21 है, 48 है, 12 दोनों साइड है। तो हम सबसे पहला काम हमारे से याद रखना है कि कॉपी पे अगर मुझे लिखना है तो कॉपी होनी चाहिए, तो ऑटोकैड में चाहिए एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ से हम गए 21, इधर आए 12, फिर गए 48, साठ में से में ये टोटल है 60 और 24 बाय चले गए तो 36 बच गए। लाइन ले लेते हैं यहाँ से 36 48 और ये पॉइंट बन गया। ठीक है, अगर नहीं नजर आ रहा तो दूरी वायर फ्रेम कर लेना और ड्रॉ में जाके रिजन कर लेना है चारों। ठीक है, रिजन हो गया, एक्सट्रूड कर दो, माइनस 60 कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट इसमें से, एंटर इसको, एंटर। शेड चेंज करेंगे हमारा ये लाइन जो है। अभी ये अलग है, ये अलग है, तो हम यूनियन कर देंगे। ठीक है, नई फाइल खोल लो और नीचे वाली ड्राइंग बनाओ।
ये हमारे को टोटल दे रखा है 80, 90, 100, 110, 120। हमेशा औरतों मान लेना चाहिए। ये है 90, ये है 20, ये है 90, ये है 20, और सर मेरे को 15, ये यहाँ से 15 है। ठीक है, प्लेट लगा देते हैं। थोड़ा सा इसको फ्री ऑर्बिट से घुमा लेते हैं। रिवीजन कर लेते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड में कितना करना है? 80 एक्सट्रूड कर लेते हैं। शेड चेंज कर लेते हैं। अभी नीचे से है गोल, हम 40-40 की दोनों साइड फ्रेट लगा देते हैं। फ्रेट लो, एज पे क्लिक करो। सिर्फ एज पे क्लिक करने दो लाइनें नहीं चाहिए। 40 एंटर, एंड फिर से फ्रेट ली, एज सेलेक्ट की, 40 एंटर, एंड ठीक है। नेविगेशन बार दोबारा से ले आओ। वैसे इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल और माउस का मिडल बटन। ठीक है, जाती है, गायब होती है, बंद हो जाए कोई बात नहीं। फिलेट लो, एज सेलेक्ट, 40 एंटर, एंटर, फिर से फिलेट लिया, एज सेलेक्ट की, 40 एंटर, ग्रिड बंद कर देता हूँ। फेस यूसियस चाहिए, लाइन लगा लो, सर्कल लगा लो, आंखें खोल के लगाना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आंखों का काम है कि आप सही एक्सट्रूड तभी होगा जब आपका स्केच सही बना होगा। ना सेलेक्ट पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वायर फ्रेम कर लो। ठीक है, उसके साथ नहीं जितना हमने उसकी बात माननी है। 20 एक्सट्रूड कर लिया, फेस ऊपर ले लिया, शेड चेंज कर लो और ऊपर वाला सर्कल है हमारा 60 का सर्कल ले लो। एक्सप्लोर कर दो, माइनस 15 है। नीचे को जाना है मुझे, सब्ट्रैक्ट इसमें से एंटर, इसको जिस फेस पे काम कर रहा है। अभी आज हमारा पहला दिन है, इसके और भी तरीके हैं पर मैं नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले ध्यान में आ जानी चाहिए। और ये सर्कल है 20 का, पता नहीं 20 का है कि कितने का है, 30 डाई का, सॉरी, तो हम 15 का बनाते हैं। 15 का और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। और भी आसान तरीके हैं इसके बनाने के, पर क्योंकि आज हमारा पहला दिन है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाओ, तो ज्यादा इजीली और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, हमेशा इसको रखते हुए ध्यान रखना है कि एक्स भी दिखे, वाई भी दिखे और जेड सीधा दिखे। ठीक है, अगर ये ऐसे रखा होगा तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसे रखना है जैसे भगवान ने हमारे बनाया, टेबल पे कोई चीज पड़ी है, हमारे को एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से रखना है। ऐसे सपोज करो एक बॉल है तुम्हारी यहाँ पे रख दी, अगर टेढ़ा पड़ा होगा तो बॉल गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे रखना है कि बॉल रखे तो हमारी गिरे नहीं। लो सर्कल बनाओ, 15 का। अब देखो बड़ी मजेदार चीज है ऑटोकैड का फायदा, इसको जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ
तुम्हें दोनों के हर बार एक ही बार में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल बॉडी है। तो ये ड्राइंग हमारी बन गई। यहाँ पे ओरिजिनल टाइल कर देंगे या वर्टिकल टाइल कर देंगे तो हमारे को सही नजर आने लग जाएंगे। ठीक ये वाला थंबनेल देख के आप आए हैं ना। ये दोनों ड्राइंग अगर हमारे को बनानी है बहुत आसानी से ये ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देखने का बेस्ट तरीका मैंने पहले बताया, कुछ लेके एंड तक देखनी है ताकि ऑटोकैड में 3D स्टार्ट कैसे करनी है, क्या क्या कमांड यूज करते हैं स्टार्टिंग में और मॉडल कैसे बनाना है वो हमारे को समझना है। ठीक है, फिर बाकी अपना नाम जरूर लिखना, अगर बन जाए ये तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर डालना, मैं आपको ये PDF फाइल जो है सेंड कर दूंगा। इसमें बहुत सारी ड्राइंग्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे और कोई ड्राइंग अगर मुझे बनानी होगी तो